मतलब न्यूटन की ऑप्टिक्स की बुक तक सबको यही लग रहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है रेदर देन वेव से. आइंस्टीन ने ये बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया था जो कि वेव नेचर से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं होता. तो आइंस्टीन ने ये स्पेसिफिक फिनोमेना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर दिया था. लाइट को अगर हमें समझना है तो हमें दोनों थ्योरीज को यूज करना पड़ेगा. हमारे पास क्वेश्चन अभी भी है कि लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है. Good evening, everyone. My name is Bhaskar Singh Rawat, and I had just given my final semester examination of BSc Physical Sciences with Computer Science from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. For the 122th GSTS talk, I'll be presenting a presentation on topic The Magic of Light, a Brief Introduction. Now, the roadmap of this specific presentation or talk is to understand the light. And before getting toward the main topic, we'll first understand what is the early study of the light, then the wave nature of light, the particle nature of light, and the dual nature of light. And after that, we'll be understanding what is the merit of learning or studying light. So the early study of light. In 140 AD, Ptolemy measured angle of refraction for angle of incidence and created a table. So 140 AD mein, Ptolemy naam ke mathematician ne kya kara tha, unhone एंगल ऑफ के मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ उनका एक टेबुलर फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दिया था. जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू द वाटर इट बेंड्स एंड व्हेन वी मेजर इट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द स्पेसिफिक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वी गेट अ स्पेसिफिक टेबुलर फॉर्म. और उसके बाद 1621 में स्नेल्स ने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था टॉलमी के डेटा को लेकर और उन्होंने एक स्पेसिफिक फिनोमिनल एक स्पेसिफिक स्नेल्स लॉ दिया था जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. वेयर ही सेड दैट साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट मींस फॉर द स्पेसिफिक साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर विल ऑलवेज बी अ स्पेसिफिक साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला था विच मीन्स दैट इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल डेटा विच इज गिवन बाय टॉलेमी. उसके बाद डिकार्ट्स आए थे. डिकार्ट्स ने क्या कहा था उन्होंने मैथमेटिकल डिराइव करा था मैथमेटिकली डिराइव करा था स्नेल्स के लॉ को. उन्होंने एक चीज अज्यूम करी थी दे अज्यूम दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल जिसे उन्होंने कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट कहा था. नाउ By getting influence from the Descartes work, Newton ने उनका जो work है वो अपनी book Optics में भी लिखा था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो light है जो light से related phenomena हैं वो completely particle nature से easily explained हो सकते हैं. तो light का जो nature है वो particle से मिलकर बना हुआ है. मतलब Newton की Optics की book तक सबको यही लग रहा था कि जो light है वो particle से मिलकर बना हुआ है rather than wave से. उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ लाइट कैसे डिस्क्राइब किया गया है इंडियन एशियन स्क्रिप्ट में वो हमने मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट विच इज डिफाइंड इन ऋग वेदा विच इज इंडियन स्क्रिप्ट एशियन इंडियन स्क्रिप्ट इन द चैप्टर 150.4 वेयर इट इज रिटन दैट विद डीप रिस्पेक्ट आई गो टू द सन हु ट्रेवल्स 2202 योजनास इन हाफ अ निमिषा. और जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं वन योजना इज इक्वल टू 29,260.8 मीटर एंड वन निमिषा इज 0.4267 सेकंड्स. एंड बाय यूजिंग द बेसिक स्पीड फॉर्मूला विच इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम वी गेट द स्पीड ऑफ लाइट एज 0.504637 मीटर्स पर सेकंड. तो दिस स्पेसिफिक स्टेटमेंट इज रिटन इन ऋग्वेदा. और जब हम इसे मॉडर्न डे कैलकुलेशन से कंपेयर करते हैं जो कि है 2997924.58 मीटर पर सेकेंड जिसे सबसे पहले कैलकुलेट किया था ओयले रोमर्स ने 1676 में. तो एक्चुअली में क्या है कि हमारे ऋग्वेदा में जो एक्चुअली में जो लाइट की स्पीड है वो हमारे मॉडर्न डे जो हम लाइट की स्पीड को लेते हैं उसके एग्जैक्टली इक्वल है. क्योंकि फिजिक्स में क्या कहते हैं हम वैल्यूज को अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेते हैं और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम स्पीड ऑफ लाइट को 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं. तो ऋग्वेदा और जो स्पीड ऑफ लाइट जो मॉडर्न डे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस में निकला है वो
एक को इक्वल है, जैसे हमें पता चलता है कि एशियन इंडियन स्क्रिप्ट में भी जो वर्क हुआ है रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है अपने आप में। उसके अलावा ऋग्वेदा में चैप्टर 5.4-5.9 में भी ये गिवन है कि सेवन हॉर्सेज ड्रॉन द कैरियट ऑफ द सन टाइड बाय स्नेक्स, ये पोएट्रिक वर्ड्स में लिखा हुआ है जिनका जिसका मतलब है जो हमारे सूर्य देवता हैं उनके जो रथ है उसमें सेवन हॉर्सेस हैं एंड दो सेवन हॉर्सेस आर टाइड बाय अ स्नेक। अगर हम इसको एक्चुअली में इसको मतलब मॉडर्न डे से समझे तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सन की लाइट है इट इज मेड अप ऑफ सेवन डेज एंड वी इट्सेल्फ नोन दैट लाइट इज मेड अप ऑफ सेवन लाइट्स व्हिच वी कॉल्ड एज रिब क्योर, और यही चीज यहाँ पे डिफाइन करा है। टाइड बाय द स्नेक्स यहाँ पे ये डिफाइन करता है कि जो लाइट है वो हमेशा कर्व पाथ में ट्रेवल करती है। ये स्पेसिफिक टेक्स्ट जो ऋग्वेदा में गिवन है ये डिफाइन कर रहा है कि ये लाइट के स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर रहा है जो मॉडर्न डे में बहुत बाद में समझ में आया था हमें। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन मून सरफेस, ये भी ऋग्वेदा में गिवन है चैप्टर 1.84.15 में, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़े ऋषि थे जो कि जब मून में गए थे तो उन्होंने पाया था कि जो मून में है वो सन की लाइट है, मतलब मून के पास मून की लाइट ना होके सन की लाइट है, और ये भी हमारे ऋग्वेदा में लिखा हुआ है। तो here there is a few examples which itself defined that light, the properties of light are given in the Rigveda. Other than that, we have also Indian physicists, those who have contributed in the study of light. We have C.V. Raman, an Indian physicist who also won a Nobel Prize in 1930 in physics field for studying scattering of light. Or specifically, unka work Raman effect mein tha. ये बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत बड़ा उनका ऑनर है आप ये कह सकते हैं, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट कलर इन एशियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। उसके अलावा वी हैव नरेंद्र सिंह हु मैन्युफैक्चर्ड अ ग्लास वायर कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लाइट, जिन्हें उन्होंने कहा था कि फाइबर ऑप्टिक्स, और फाइबर ऑप्टिक्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में। इवन आप कह सकते हैं हमारा जो टीवी की वायर कनेक्शन है वो भी फाइबर ऑप्टिक्स से ही है। फाइबर ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा स्पीड में सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होते हैं, और ये भी एक इंडियन ने ही दिया था। नेक्स्ट मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेव नेचर ऑफ लाइट। तो 1678 में हाइजेंस थे जिन्होंने वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले बात करा था। उन्होंने बोला था कि लाइट है वो वेव नेचर से मिलकर बना हुआ है, और लाइट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस में ट्रैवल करता है। हाइजेंस प्रिंसिपल में क्या है कि जो लाइट का वेव फ्रंट है उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिन्हें हम लोकलाइज्ड पॉइंट्स कहते हैं, जिनसे सेकेंडरी वेवलेट बनती है, और वो सेकेंडरी वेवलेट साथ में मिलकर नेक्स्ट वेव को फॉर्म करती है। तो कहते हैं कि इस तरह से लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करे। लेकिन हाइजेंस का जो स्पेसिफिक वर्क था या स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन था अबाउट द नेचर ऑफ लाइट वो उस समय में बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। रीजन बीइंग न्यूटन ने अपनी बुक ऑप्टिक्स में ऑलरेडी लाइट को एज अ पार्टिकल डिफाइन कर दिया था, बट उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग और यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो कि था थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या था where the light is traveled is passed through the two slits and its intensity was observed in the screen. So here we can see that jab light do slits se travel kar rahi hai to hame ye dikhna chahiye ki jo light hai wo wahi pe aayegi jahan pe wo direct hogi. For example, agar yahan pe ek screen rakha hua hai aur yahan pe do slit hue hain aur light jab isse travel karegi to wahi pe reflection aani chahiye ya fir वहीं पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस शो होनी चाहिए जहाँ पे वो स्लिट डायरेक्ट करेगी। बट एक्चुअली में जब ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था तब हमें दिखा था कि जब लाइट को दो स्लिट से ट्रैवल करा था तो हमें बहुत सारे यहाँ पे फ्रिंजेस दिखे थे या रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखे थे, ब्राइट फ्रिंजेस दिखे थे, मतलब कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लाइट है और कुछ पॉइंट्स में डार्कनेस है। और ये स्पेसिफिक चीज बहुत ज्यादा मुश्किल थी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए इसे वेव नेचर से जब एक्सप्लेन किया गया तो हमें पता चला कि जो वाटर की वेव्स है वो भी सेम फिनोमिना शो करती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जब दो बॉल्स को वाटर में ऑस्किलेट करा गया तब हमें मिला
जो हमें पैटर्न दिखा उनके आपस में सुपर वेव्स को सुपर इम्पोज करने के बाद, वो सेम पैटर्न हमें थॉमस यंग के द लाइट के एक्सपेरिमेंट के साथ दिखा था. हमें दिखा कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में यहाँ पे वेव है और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में वेव नहीं है. मतलब जिन स्पेसिफिक पॉइंट्स में वेव है वहां पे लाइट है, और जिन स्पेसिफिक वेव्स में वेव नहीं है वहां पे डार्कनेस है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हम एक्चुअली में वेव को हेड और टेल के बेसिस में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये हेड है, यहाँ पे ये टेल है. तो जब हेड हेड के साथ मिलेगा तो इंटेंसिटी में इंक्रीमेंट आएगा, जिससे जहाँ पे हमें लाइट की फॉर्मेशन दिखेगी. लेकिन जब हेड टेल के साथ मिल रहा है तब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट में यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी लाइट की फॉर्मेशन नहीं दिख रही है. तो ये चीज यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि जब दो स्पेसिफिक स्लिट से लाइट ट्रेवल कर रहा है तो क्या हो रहा है कि वो दोनों लाइट आपस में सुपर इम्पोज हो रही है, जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में वी आर गेटिंग ब्राइट फ्रिंजेस एंड फॉर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स वी आर गेटिंग डार्क फ्रिंजेस. और यही स्पेसिफिक चीज को डेनिस गैबन ने, जो कि नोबेल प्राइज विनर थे, 1971 में कहा था कि लाइट एडिड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस. मतलब कि रोशनी को अगर हम रोशनी के साथ मिला दे तो अंधेरा भी बन सकता है. लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक थॉमस यंग एक्सपेरिमेंट ही नहीं था, उसके अलावा कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी थे, जिसमें से एक है डिफ्रेक्शन. डिफ्रेक्शन में क्या है कि जब लाइट एक छोटे से स्लिट के थ्रू पास होती है तो वो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती है. ये स्पेसिफिक चीज को हम डिफ्रेक्शन कहते हैं. और डिफ्रेक्शन थ्योरी में सबसे बड़ा काम था फ्रेनहॉफर एंड फ्रेजनर का. तो डिफ्रेक्शन एक्चुअली में डिफ्रेक्शन एक स्पेसिफिक चीज है जो डिफाइन करती है कि लाइट क्यों अभी जो हमारा जो हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें लाइट क्यों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और क्यों ऋग्वेद में लाइट को एज अ कर्व पाथ कहा गया था. तो मैथमेटिकली डिफ्रेक्शन थ्योरी में हमें ये पता चलता है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो होल के जो ये स्लिट है उसके विड्थ पे डिपेंड करती है. तो विड्थ पे इनवर्सली डिपेंड करती है. इसका मतलब है अगर आप विड्थ को इंक्रीज करते हैं तो जो लाइट की वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती है. जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब यहाँ पे विड्थ का जो होल है वो छोटा है तब यहाँ पे वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब वेव नेचर बहुत ज्यादा शो है. और जब यहाँ पे विड्थ का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है तब वेव नेचर क्या है, बहुत कम शो हो रहा है, मतलब वो स्ट्रेट लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. मतलब कि अगर मैं विड्थ के जो डिस्टेंस को इंफिनिटी तक इंक्रीज कर दूं तो जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी. और इसी रीजन से जो हमें अभी जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट है हमें लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए दिखती है, और इसी की वजह से हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जैसे फिनोमेना दिखते हैं. नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, इफ लाइट इज मेड अप ऑफ वेव और इफ लाइट इज वेव then how it is capable of propagating in vacuum. और हमें कैसे पता है कि light travel करती है vacuum से, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो अर्थ पे आ रही है और सूरज और अर्थ के बीच में जो कुछ भी नहीं है उसके बीच में vacuum है, means it has no medium. तो इस specific question का answer हमें Maxwell की equation से मिला था, और ये specifically completely different study थी उस समय पे. उस समय में electricity and magnetism में ये study हो रही थी. और यहाँ पे क्या मिला हमें, मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस को, फोर फंडामेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करके इलेक्ट्रिक वेव की इक्वेशंस निकाली. इलेक्ट्रिक वेव की इक्वेशन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे ब्लू लाइन से ब्लू कलर के जो पाथ दिख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ऑसिलेशन दे रहे हैं हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक वेव कहते हैं. और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव की इक्वेशन देख सकते हैं. तो जब हम इस इलेक्ट्रिक वेव की इक्वेशन को फंडामेंटल वेव इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, फंडामेंटल वेव इक्वेशन जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, जब हम इसे फंडामेंटल वेव इक्वेशन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जहाँ पे यहाँ पे v वेलोसिटी को सिग्निफाई करता है, तो हमें मिलता है कि वेलोसिटी यहाँ पे है 1/√μ0ε0. और जब हम इस वेलोसिटी को निकालते हैं तो ये वेलोसिटी आती है 2997924.58 m/s. तो मैक्सवेल ने, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रहे हैं, ऑसिलेशन हो रहा है, उसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी फॉर्मेशन हो रहा है जो कि आपस में परपेंडिकुलर है. तो इसी स्पेसिफिक वेव को मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया था.
और जब हमने इसकी वेलोसिटी निकाली बाय कंपेयरिंग इट टू द जेंडर वेव इक्वेशन, वी गेट इट्स वेलोसिटी टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि उस समय में अरमान ने दिया था. तो अरमान पेजू ने क्या कहा था, उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को, मतलब ओले ने भी स्पीड ऑफ लाइट को गिवन, सबसे पहले ओले ने स्पीड ऑफ लाइट को दिया था, बट अरमान ने स्पीड ऑफ लाइट को बिना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के साथ दिया था. उन्होंने मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करके स्पीड ऑफ लाइट को दिया था, जो कि हम एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई थी जो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन से जो हमारी स्पीड की वैल्यू आई. तो इसके साथ मैक्सवेल ने कंक्लूड करा कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बना हुआ है. तो अभी भी क्वेश्चन सेम है कि अगर लाइट, चलो हमें अभी तक हमारे पास ये डेफिनेशन है कि लाइट इज अ वेव, बट स्टिल द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ इट इज प्रोपगेटिंग थ्रू वैक्यूम. और उसके पीछे का रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कुछ नहीं, वो ऑस्किलेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में. और ये ऑस्किलेशंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, हेंस लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो. उसके बाद यहाँ तक सब कुछ क्लियर था. वी हैव अ बेसिक फंडामेंटल आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट, व्हिच वी से दैट लाइट इज अ वेव. बट उसके बाद एक स्पेसिफिक फिनोमेना था फिजिक्स की फील्ड में, जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, जब लाइट को किसी मेटल के साथ स्ट्राइक करा गया तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट में, मेटल के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट में करंट की फॉर्मेशन हुई थी. मतलब कि हमने यहाँ पे लाइट को यहाँ पे स्ट्राइक करा है मेटल से, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मेटल से बाहर को निकल रहे थे, और इस स्पेसिफिक फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा. मतलब कि फोटोन मतलब होता है लाइट, मतलब लाइट से जो करंट की फॉर्मेशन हो रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करता था, और उससे पहले ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव के बेसिस में एक्सप्लेन नहीं हो सकता था. इसके पीछे का रीजन ये था कि जो वेव था, अगर हम लाइट को एज अ वेव वो एज्यूम करें, तो जो मेटल है उसके पूरे सरफेस में अगर लाइट पहुंच रही है तो वो यूनिफॉर्मली एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक पॉइंट से नहीं निकलने चाहिए, सभी मेटल के सभी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर को निकलने चाहिए. बट इस स्पेसिफिक फिनोमेना में क्या होता कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक पॉइंट से ही बाहर निकल रहे थे. तो इसे आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा था. आइंस्टाइन अज्यूम दैट लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, where photons are nothing but the packets of energy. तो आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी जो फोटोन मतलब लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट से मिलकर बना हुआ है. where the energy of that specific photon is hf, where f is the frequency and f is the constant. तो उन्होंने कहा था कि जो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो hf होगी, मतलब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वो स्पेसिफिक उसको मल्टीप्लाई कर दे अगर आप किसी कॉन्स्टेंट एच से, तो हमें एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगा. ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अज्यूम करा था, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन उन्होंने एनर्जी ऑफ मतलब ये स्पेसिफिक फिनोमिना को एक सिंगल लाइन इक्वेशन में एक्सप्लेन कर दिया था. उन्होंने बोला था कि जो एनर्जी है फोटोन की वो यूज हो रही है इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए, प्लस इलेक्ट्रॉन को जो स्पीड मिल रही है. मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे जैसी जो इक्वेशन यहाँ पे है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, ये सारे यहाँ पे वर्क फंक्शन को डिफाइन करता है, प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आइंस्टाइन ने ये बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि वेव नेचर से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं होता. तो आइंस्टाइन ने ये स्पेसिफिक फिनोमेना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर दिया था. And that is the reason why Einstein got Nobel Prize in Physics for explaining photoelectric effect in 1921. इसके अलावा हमारे पास फिजिक्स में और भी फिनोमिना हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ लाइट के पार्टिकल नेचर के assumption के बेसिस में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि क्वांटम इफेक्ट. तो हमारे पास क्वेश्चन अभी भी ये है कि लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें थॉमस यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट को फोटोन समझ के करना पड़ेगा. और हमारे पास फोटोन काउंटिंग डिवाइसेस हैं जो कि एक्सटेंसिवली यूज होते हैं एस्ट्रोनॉमी और हाई एनर्जी फिजिक्स में, जो कि क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉन को मतलब सॉरी जो लाइट का जो वेव है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फोटोन के बेसिस में, मतलब कि हम जो फिनोमिना हम पार्टिकल्स जो फिनोमिना वेव के बेसिस में एक्सप्लेन कर सकते थे, तो वही एक फिनोमिना हम पार्टिकल के बेसिस में भी देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं स्पेसिफिक डिवाइसेस की मदद से। तो जब हमने इस डिवाइसेस को फोटोन के लिए मतलब हमने सेम एक्सपेरिमेंट करा, हमने लाइट को डबल स्लिट से पास करवाया और हमने जब स्क्रीन में देखा तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो डॉट्स हैं ये फोटोन को डिफाइन कर रहे हैं और हमें सेम कंक्लूजन दिखा जो हमने दिखा था थॉमस के यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस यहाँ पे दिखे। हमें इसको और स्पेसिफिकली समझने के लिए बट वी डिड इज दैट वी यूज्ड स्पेसिफिकली वन फोटोन एट अ टाइम, तो बाय जस्ट पासिंग वन फोटोन एट अ टाइम थ्रू टू स्लिट्स हमें कुछ समय के बाद तो एक रैंडम कुछ एक रैंडम पैटर्न दिखा, मतलब हमें कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा, एक रैंडम मतलब फोटोन जो है रैंडमली स्ट्राइक कर रहे हैं, बट आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम हमें दिखा कि जो सेम पैटर्न जो कि हम यहाँ पे थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे सेम पैटर्न हमें यहाँ पे दिखा। तो मतलब कि फोटोन अगर एक फोटोन भी दो स्लिट के थ्रू पास कर रहे तो हमें सेम पैटर्न दिख रहा है ये हम, और हमें पता है कि ये पैटर्न तभी पॉसिबल है जब जो लाइट है वो आपस में जो वेव है तो वो आपस में सुपर इम्पोज करे और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में फोटोन फोटोन को काट दे और फोटोन फोटोन को इंक्रीज कर दे। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली ये कहा गया कि जो एक फोटोन है मतलब कि जो एक पार्टिकल है वो दोनों स्लिट के थ्रू पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो एक फोटोन है वो दोनों स्लिट के थ्रू पास हो रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ वेव के उसमें ही पॉसिबल है, पार्टिकल के प्रॉपर्टी में पॉसिबल नहीं है। और जब हमने ये सेम एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक स्लिट के साथ करा, मतलब एक फोटोन को एट एक टाइम पे पास करवाया गया और एक ही स्लिट के थ्रू पास करवाया गया, एंड वी गेट अ रेक्टेंगुलर ब्राइट फ्रिंज, मतलब हमें कोई भी पैटर्न नहीं दिखा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगुलर ब्राइट फ्रिंज दिखा जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि लाइट जब एक स्लिट से पास हो रही थी तो क्योंकि वो दो स्लिट में मतलब वो एक फोटोन दो पॉइंट्स में पास नहीं हो सकता था तो इसीलिए वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं हुआ और उसने मतलब ये जो पैटर्न है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का ये पैटर्न नहीं शो करा, बट क्योंकि दो स्लिट आने के बाद एक ही फोटोन दो स्पेसिफिक क्या कहते हैं स्लिट्स के थ्रू पास हो रहा था, और यही हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, मतलब कि लाइट एक सेम टाइम पे पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और वेव नेचर भी शो कर रहा है और इसी को हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस में डी ब्रोगली वेव ने डी ब्रोगली ने एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम डी जो कि मैटर के लिए था। उन्होंने बोला था कि अगर लाइट एक स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक लाइट के पास ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि वो एट द सेम टाइम इट इज कैपेबल ऑफ शोइंग वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर देन मैटर शुड ऑल्सो हैव द सेम प्रॉपर्टी। तो उन्होंने वेवलेंथ को पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ रिलेट करा था। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा देन इट विल बी गोइंग टू शो वेव नेचर, बट इफ इट इज गोइंग टू ट्रेवल विद with the speed of light, then it is going to show particle nature. और डी ब्रोगली ने quote करा था कि after long reflection in solitude and meditation, I suddenly had the idea during the year 1923 that the discovery made by Einstein in 1905 should be extended to all matter like particle electrons. तो डी ब्रोगली ने कहा था कि उन्होंने अपना पूरा ये श्रेय आइंस्टाइन को दिया था बिकॉज आइंस्टाइन वाज द फर्स्ट हु एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो डी ब्रोगली ने कहा था कि आइंस्टाइन का वो स्पेसिफिक डिस्कवरी उन्होंने जब एक्सटेंड करा मटेरियल्स के लिए जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए तो उन्हें ये स्पेसिफिक फिनोमिना वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी दिखा। तो हमारे पास बेसिकली सब कुछ अब हमारे पास एक जनरलाइज आइडिया है कि लाइट क्या है, लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है, हमें ये पता चल गया कि लाइट जो है वो दोनों चीज है, वो प्योरली वेव नहीं है, वो प्योरली पार्टिकल नहीं है, बट वो दोनों चीजें हैं और कुछ स्पेसिफिक फिनोमिना में उसमें वेव नेचर ज्यादा शो होता है और कुछ स्पेसिफिक फिनोमिना में उसमें लाइट नेचर ज्यादा शो होता है। लेकिन इन ये सारी स्टडी का फायदा क्या हुआ,
इस स्टडी का फायदा ये हुआ, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। कैसे? तो क्या हुआ था कि while finding the answer why light travels through the vacuum, there were so many experiments done for finding the medium of the vacuum. मतलब कि न्यूटन ने उस समय में कहा था कि जो वैक्यूम है उसका भी एक मीडियम होना चाहिए तभी लाइट उसके थ्रू ट्रेवल कर रही है। ये मैक्सवेल के रिलेशन से आने से बहुत पहले की बात है। तो जब न्यूटन ने ये स्पेसिफिक चीज कही थी तो तब इस स्पेसिफिक चीज पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, और यही जो इनमें से एक एक्सपेरिमेंट है ईथर फाइंडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें ईथर की फाइंडिंग से ये फाइंडिंग के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, बट उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि जो लाइट है वो रिलेटिवली एक कॉन्स्टेंट है। मतलब आप किसी भी कोऑर्डिनेट में चले जाए लाइट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट। और इसी से इंस्पायर्ड होकर आइंस्टाइन ने स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। लेकिन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमारे पास कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के। सबसे पहले लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के नियर ट्रेवल करती है तो उसका जो लेंथ है वो हमें बहुत छोटा दिखेगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ये बास्केटबॉल है, तो जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है तो इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा छोटी हो रही है। उसके साथ एक कंसेप्ट है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या कहता है कि इफ एन इंडिविजुअल और इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट इट्स टाइम इज रिलेटिवली गोइंग टू स्लो। मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो टाइम है वो कंपेरेटिवली स्लो हो जाएगा। इसके लिए एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ट्विन पैराडॉक्स, जिसमें क्या है कि दो ट्विन है जिनमें से एक ट्विन अगर रॉकेट जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करके अर्थ से बाहर जाता है तो जब वो वापस आएगा तो जो अर्थ में जो ट्विन होगा उनकी जो एज होगी कंपेरेटिवली ज्यादा होगी जो कि ट्विन है जो कि एक रॉकेट में। इसी को स्पेसिफिकली ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं और ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है मास इंक्रीमेंट। मास इंक्रीमेंट भी सेम फिनोमेना है कि अगर कोई भी बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है तो उसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। और आप इसको मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमने वहां पे अभी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा जीरो हो जाएगी, मतलब कंपेरेटिव जीरो हो जाएगी और वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। और यहाँ पे मास इंक्रीमेंट भी बेसिकली क्योंकि मास पार्टिकल का ही डिफाइंड हो सकता है तो ये भी एक चीज को इस चीज को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली इनडायरेक्टली द स्टडी ऑफ लाइट हेल्प आइंस्टाइन और इंस्पायर्ड आइंस्टाइन टू गेट स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिससे हमें ये पता चला कि जिन चीजों को हम एब्सोल्यूट समझते थे जैसे कि मास टाइम और लेंथ को डिस्टेंस को जिन्हें हम एब्सोल्यूट समझते थे वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। उसके साथ साथ कैसे स्पीड ऑफ लाइट की स्टडी अभी जो रिसेंट में ब्लैक होल की जो इमेजेस आई हैं उससे कैसे रिलेटेड है, तो ये मतलब बहुत ज्यादा बेसिक रिलेशन है कि जो हमें जो रिसेंटली ब्लैक होल की जो इमेज मिली है तो ब्लैक होल का जो सरफेस होता है मतलब जिसके अगर अंदर जाए तो लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकती, उस स्पेसिफिक सरफेस को हम इवेंट होराइजन कहते हैं। और इवेंट होराइजन के आसपास की चीज जो यहाँ पे आपको लाइट जो मतलब यहाँ पे जो ये ब्लैक है सेंटर में और इसका जो बाउंड्री है वो इवेंट होराइजन है, और उसके आसपास जितना भी एरिया है उसे हम एक्सेलरेशन डिस्क कहते हैं। यहाँ पे मतलब लाइट रिवॉल्व करके अल्टीमेटली जो सिंगुलैरिटी है उसकी तरफ को जा रहा है, सिंगुलैरिटी सेंटर के पॉइंट को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमें जो स्पेसिफिकली इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से जो ब्लैक होल की जो इमेज मिली है वो जिस एक्सेलरेशन डिस्क से जो लाइट आ रही है उसी की स्टडी और उसी की फिल्ट्रेशन से हमने ये इमेज को कैप्चर करा। ये जो स्पेसिफिक इमेज है ये 2019 में आया था और ये गैलेक्सी M87 का ब्लैक होल है जो कि उसके सेंटर में है, और एक फैक्चुअल पॉइंट कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके भी सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है और जिसकी भी इमेज पब्लिश हो चुकी है, जस्ट इसके इस इमेज के बाद ही वो पब्लिश होगी। तो वी कैन से दैट एनालिसिस ऑफ लाइट अल्टीमेटली लेट अस टू द फर्स्ट इमेज ऑफ द ब्लैक होल। अगर हम डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास फोर मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी करते हैं।
The first one is radial velocity method, second one transit method, third is microlensing method, and fourth is direct imaging method. Radial velocity method, transit, microlensing and direct imaging method, in sabhi methods mein hum light ki study karte hain. Radial velocity method mein hum blue shift aur red shift ko study karte hain, jo planet ke light aa rahi hai, planet ke relative motion ki wajah se jo red shift aur blue shift aa raha hai. ट्रांजिट मेथड में हम जो प्लैनेट का जो स्टार है उसके जो एटमॉस्फेयर से पार होके जो लाइट आ रही है उसकी स्टडी करते हैं. माइक्रोलेंसिंग में जो प्लैनेट एक्सोप्लैनेट का जो मास है उसकी वजह से जो स्पेस टाइम में कर्वेचर हो रहा है उसकी वजह से जो लाइट में बेंड हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं. और डायरेक्ट इमेजिंग मेथड में जो हम फोटोन की स्टडी करते हैं जो सीधे प्लैनेट से आ रही है, तो हम देख सकते हैं कि मतलब हमारे जो डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है स्टडी और एनालिसिस ऑफ लाइट पे. तो इसके साथ हमें ये पता चलता है कि लाइट की स्टडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिक्स. तो कंक्लूजन के लिए मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट बोलना चाहूंगा, इट सीम्स एज दो वी मस्ट यूज समटाइम द वन थ्योरी एंड समटाइम द अदर, व्हाइल एट टाइम्स वी मे यूज आइदर. वी आर फेस्ड विद अ न्यू काइंड ऑफ डिफिकल्टी. We have two contradictory pictures of reality, separated, neither of them fully explain the phenomena of light, but together they do. इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ मतलब हमारे पास हम सोचते हैं हमेशा कि एक स्पेसिफिक फिनोमिना हम सिर्फ एक ही एक थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हमें ये रियलिटी को फेस करना होगा कि कुछ स्पेसिफिक फिनोमिना ऐसे होते हैं कि जो दोनों थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं और वो दोनों थ्योरी आपस में अपोजिट भी हो सकती है. जैसे कि लाइट, लाइट में क्या है कि कुछ फिनोमिना उसके वेव नेचर से शो हो रहे हैं, कुछ फिनोमिना उसके पार्टिकल नेचर से शो हो रहे हैं. और लाइट को अगर हमें समझना है तो हमें दोनों थ्योरीज को यूज करना पड़ेगा. और लेकिन दोनों थ्योरीज आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है. एक वेव कम्प्लीटली अलग है और एक पार्टिकल कम्प्लीटली अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, बट स्टिल वो दोनों ही चीजें लाइट को डिफाइन करते हैं. और दूसरा कंक्लूजन इस प्रेजेंटेशन का हमारे ये था कि स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडीइंग एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ फिजिक्स.